यह मंदिर स्थित है औरंगाबाद महाराष्ट्र में और इसे कहते हैं कैलाश मंदिर। इस मंदिर ने वैज्ञानिकों को इस कदर हैरान करके रखा हुआ है कि इस पर वैज्ञानिकों की अलग अलग राय है। कुछ वैज्ञानिक इसे 1900 साल पुराना मानते हैं और कुछ तो 6000 साल से भी पुराना। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस मंदिर को ईंटों और पत्थरों को जोड़कर नहीं बनाया गया, सिर्फ एक ही पत्थर को तोड़कर बनाया गया है। इसीलिए इसे कब बनाया गया इसका जवाब देना लगभग असंभव है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया जिससे हम पता लगा सकें कि ये कब बना। और इसे जिस पत्थर की खुदाई से बनाया गया उसकी कार्बन डेटिंग तो इस मंदिर से भी पुरानी होगी। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लगभग 18 साल का वक्त लगा, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस 100 फुट ऊंचे मंदिर को आज की तकनीक से भी 18 साल में बनाना असंभव है। इससे भी ज़्यादा अजीब तो यह है कि इस मंदिर को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है, जैसे खुदाई की जाती है। अगर इसे खुदाई से बनाया भी गया होगा तो इसमें से 5,00,000 टन पत्थर निकले होंगे। अगर एक आदमी रोज़ 12 घंटे काम करके भी इसे 18 साल में बनाने की कोशिश करता तो उसे हर रोज़ 150 टन पत्थर हटाने पड़ते, जो कि पूरी तरह से असंभव था। अगर यही हमने आज की तकनीक से भी बनाना हो तो हम इसे 18 साल में नहीं बना सकते, क्योंकि इस मंदिर को सिर्फ खुदाई करके ही नहीं बल्कि हल्के औजारों से बनाना पड़ेगा। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि इसे 200 साल से कम में बनाना उस समय के हिसाब से असंभव था। हमारे वेदों में एक ऐसे ही अस्त्र के बारे में बताया गया है जिसके इस्तेमाल से इसे बनाया जा सकता है। इस अस्त्र का नाम था बौमास्त्र, और इसके इस्तेमाल से पत्थर को भी भाप बनाया जा सकता था, और हो सकता है कि इसके इस्तेमाल से इस मंदिर को बनाया गया हो। इस मंदिर में एक रहस्य और छुपा हुआ है, और वो है इस मंदिर के नीचे जाती हुई गुफाएं। दरअसल साल 1876 को इंग्लैंड की एक स्पिरिचुअलिस्ट एमा हेंड्रिक ने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने अनुभव बताए, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कैलाश मंदिर के नीचे बनी गुफाओं का भी मुआयना किया और एक ऐसे ब्रिटिश शख्स से भी मिले जो इस गुफा के नीचे तक जा चुका था, और उसने बताया कि जब वो इन संकरी गुफाओं में से नीचे गया तो उसने एक खुला सा मंदिर पाया जिसमें उसने 7 लोगों से मुलाकात की, और उन 7 लोगों में से एक धुंधला सा दिखाई दे रहा था क्योंकि वो कभी होता और कभी गायब। इस किताब के छपने के बाद कई वैज्ञानिकों ने इन गुफाओं में खोजबीन करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद इन गुफाओं को सरकारी तौर पर ही बंद कर दिया गया और आज भी इन गुफाओं को बंद ही रखा गया है। तो आखिर ऐसा क्या है इन गुफाओं में जो आज भी इसकी खोजबीन पर रोक लगाई गई है? हमें कैलाश मंदिर से इस बात का पूरा सबूत मिलता है कि हमारी प्राचीन विज्ञान आज की विज्ञान से कहीं ज़्यादा विकसित थी, और शायद इस मंदिर की गुफाओं से कोई और रहस्यमय चीज़ भी मिल जाए, क्योंकि हमारे धर्म में कहा जाता है कि शिव के सबूत तो हम हर जगह ढूंढ सकते हैं, बस उसे देखने के लिए हमारे मन में भी शिव होने चाहिए।